हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए एक ऑसम वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट करना है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए चलो इस ऑसम वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये महामारी चल रही है इससे हमें सावधान रहने की ज़रूरत है ही और सतर्कता बढ़ने की भी ज़रूरत है। हमें जितना हो सके अपने घर में रहने की कोशिश करनी चाहिए। बस इम्पोर्टेंट जो सामान है, जो हमारी डेली आवश्यकता नीडेड है, उसी के लिए हमें घर से बाहर निकलना चाहिए और मास्क पहन के निकलना चाहिए और जितनी हो सके उतनी दूरी डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। और घर आके हमें साफ़ सफाई का भी ध्यान देना चाहिए, हाथ हमेशा डेली वॉश करने चाहिए और सैनिटाइजर का यूज़ करना चाहिए। तो चलिए मैं आज आपको जो ये फ़ोन, जो अपकमिंग फ़ोन के बारे में बताने वाला था, तो स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो को यहीं से। तो ये होने वाला है सोमी की तरफ से उसका रेडमी K40। ये अभी अप्रैल महीने में लॉन्च होने वाला था पर कोरोना पेंडेमिक के कारण ये अब शिफ्ट हो चुका है। ये मई महीने के 20 तारीख या फिर सेकेंड वीक में ही लॉन्च हो जाएगा। तो ये एक 5G फ़ोन होने वाला है। तो आपका इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी स्क्रीन होने वाली है 6.67 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले और साथ में आपको 120 हर्ट्ज़ की रिफ्रेशिंग रेट भी मिल जाएगी। काफ़ी ऑसम डिस्प्ले होने वाली है, काफ़ी इसमें आपको कलर्स काफ़ी अच्छे से देखने को मिल जाएंगे। तो इसका वेट भी आपको 196 ग्राम का दे रखा है और जो इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाएगी वो शायद आपको टोटली ग्लास बॉडी देखने को मिल जाए और ग्लास बॉडी में आपको गुल्ला ग्लास 5 तक की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाएगी। क्या पता है इसका फ्रंट आपको ग्लास बॉडी का ही देखने को मिले और बैक इसका क्या पता प्लास्टिक बॉडी का भी दे सकते हैं, पर गुल्ला ग्लास की आपको 5 तक का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। तो इसकी बात करते हैं OS की, तो OS आपको इसमें 11 एंड्रॉयड 11 ही देखने को मिलेगा। तो बात कर लेते हैं इसकी चिपसेट की, तो चिपसेट में भी इसमें आपको स्नैपड्रैगन 870G प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा जो 5G सपोर्टेबल होने वाला है और ये 7nm में वर्क करने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी ट्रिपल रियर कैमरा की, तो इसमें आपको जो इसका प्राइमरी कैमरा है वो आपको 48 मेगापिक्सल का अच्छा कैमरा आपको देखने को मिल जाएगा, काफ़ी अच्छी फ़ोटो खींचने के काम आता है। और जो आपको दूसरा कैमरा देखने को मिलेगा वो होगा आपका 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वायलेट कैमरा और तीसरा होने वाला है 5 मेगापिक्सल का माइक्रो कैमरा। तो अब बात करते हैं इसकी सेल्फी कैमरा की, तो होने वाली है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी कैमरा, तो काफ़ी ऑसम सेल्फी कैमरा खींचने के काम आने वाला है। तो अब बात करते हैं सीधे इसकी बैटरी की, तो बैटरी इसकी आपको 4500 mAh तक की देखने को मिल सकती है। क्या पता आपको इसमें 5000 mAh तक की बैटरी देखने को भी मिल सकती है, पर आपको उसमें अभी तक का जो दावा कर रही है कंपनी वो आपको 4520 mAh की ही बैटरी देखने को मिलेगी। इसमें आपको नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को होगी और ये पॉलीकार्बोनेट की बैटरी देखने को मिलेगी। और आप बात करते हैं इसकी चार्जर की, तो आपको इसमें आपको शायद 33 वाट का ही चार्जर देखने को मिले और ये आपको 32 मिनट में 100% चार्ज करके देगा। जो इसका कलर होने वाले हैं, इसमें आपको 3 कलर वेरिएंट शायद देखने को मिल जाएं, ब्लैक, ब्लू और वाइट। ये काफ़ी ऑसम कलर होने वाले हैं। और जो इसकी डिस्प्ले होने वाली है वो पंच होल डिस्प्ले ही आपको देखने को मिलेगी इसमें। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन में इसमें हाइट दे रखी है 163.7 mm की, विड्थ दे रखी है 76.4 mm की और थिकनेस होने वाली है 7.8 mm की। तो अब बात कर लेते हैं इसके अदर फीचर्स की, तो इसमें आपको USB टाइप सी पोर्ट ही देखने को मिलेगा और सभी जैक और जो भी आपको इसमें और सब देखने को नॉर्मल फ़ोनों की तरह देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको सारे ही नॉर्मल सेंसर आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आपका हो गया लाइट सेंसर होने वाला है और भी काफ़ी सेंसर आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं इसके प्राइस की, तो इसको अभी कंपनी ने उतना ज़्यादा खुलासा नहीं किया है पर मुझे जहाँ तक लगता है कि ये 21,000 के अराउंड आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं इसकी रैम वेरिएंट की, क्योंकि रैम वेरिएंट से ही इसका प्राइस का थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। जो आपका 6GB रैम 128GB स्टोरेज होने वाला है वो आपका 20,000 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा और जो दूसरा होने वाला है 8GB रैम का, 8GB रैम में भी आपको शायद 2 वेरिएंट आपको देखने को मिल जाए स्टोरेज में 128 और 256GB के अराउंड। तो इसमें आपको 22,000 के अराउंड ये भी देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक का इसमें आपको तीसरा जो वेरिएंट आपको शायद देखने को मिल जाए वो आपका शायद होगा 12GB रैम 256GB स्टोरेज, ये आपको शायद 25,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा।
पर अभी कंपनी ने इतना बताया नहीं है कि कितने रैम वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। पर जहाँ तक का मेरी राय है तो इसमें आपको दो रैम वेरिएंट ही शायद आपको देखने को मिल जाए, क्या पता आपको ये चारों ही रैम वेरिएंट भी देखने को मिल सकते हैं। तो धन्यवाद, मैं ऐसी ही ऑसम वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होता हूँ और अपने घर वालों की सलामती के लिए आप मास्क पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कीजिए। ऐसे ही कदम आपको कोरोना के खिलाफ जीत में मदद करेंगे। धन्यवाद।